हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हो? तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपके लाए हैं कच्ची कैरी का मुरब्बा। तो ये हमने तोतापुरी आम लिया है, उसे हमने ये अच्छे से धोकर इसे पील कर लिया है और साथ में इसे हम ग्रेट कर लेंगे। तो ये हमारे आम भी ग्रेट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। सबसे पहले हमने इसमें दो टीस्पून हमने इसमें देसी घी डाला है। घी को हल्का सा गर्म होने दें और साथ में ही हम इसमें लौंग, इलायची और दालचीनी डाल देंगे। तो इसे भी हल्का सा इसे लाल होने दें। अब इसमें थोड़े से किशमिश और काजू डाल देंगे। अगर आपके घर में है तो डाल दें, वरना ऐसे भी चलेगा। अब इसमें ग्रेट किया हुआ आम डाल दें। और इसे 3-4 सेकंड के लिए इसे घी में भून लें। अब इसमें हमने गुड़ डाल देना है। अगर आपको शक्कर पसंद हो शक्कर भी डाल सकते हैं, बट ये गुड़ से थोड़ा हेल्दी रहेगा। और साथ में इसमें मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक डाल दें। अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे मीडियम फ्लेम पे इसे पकने दें ताकि आपकी जो कैरी है वो गुड़ को और मसालों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो ये देखिए, गुड़ का पिघलना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी थोड़ी देर में इसे अच्छे से इसे मिक्स करते रहें। ये गुड़ की चाशनी तैयार हो चुकी है साथ में।
और ये हमारा आम का मुरब्बा बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स खाएं और बताएं कैसे बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।